हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। आज शुरू करते हैं हमारे दार्जिलिंग के आखिरी डे व्लॉग में। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा लेट है, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसीलिए थोड़ी लेट हो गई, बट आई प्रॉमिस अब से टाइम पे व्लॉग आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है दार्जिलिंग में हम लोग का आखिरी डे। हम लोग निकलने वाले थे सुबह सुबह रेडी होके। ये देखिए, ये वाला घर जहाँ हम लोग रह रहे थे, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था आखिरी व्लॉग में, वो आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। वो दो व्लॉग आप लोग ज़रूर फॉलो करना, और ये उसका थर्ड पार्ट है। तो चलिए चलते हैं, अभी निकलने वाले। हम सब पैकिंग करके नीचे आ गए। ये देखिए एक और घर, और ये घर मुझे इतना पसंद आया था ना, मैं उस दिन जिस दिन से आई थी मैं 3-4 बार नीचे आके देखी, अंदर से भी हम लोग देखे, लेकिन किसी और का घर था तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया अंदर से। लेकिन ये घर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और बाहर से ये देखिए, ये हमारे गाड़ी में अंकल आंटी लोग सारे जो सामान है वो अपना गाड़ी में पैक कर रहे थे, और तब मैं वीडियो बना रही थी। ये देखिए, ये एक छोटू सा फ्रेंड आया था, ये एक अंकल के फ्रेंड है, उनका है डॉग, और ये बहुत प्यारा है, क्यूट सा है। इसके साथ हम थोड़ी देर खेले क्योंकि निकलने में थोड़ा टाइम था, और मैं ना नेचर की ब्यूटी को भी इंजॉय कर रही थी। तो हम लोग निकल गए फिर पैकिंग करके। और ये देखिए, आंटी हमें दिखा रही थी कि यहाँ ना मेघ लगा था उस दिन, क्योंकि बारिश का सीज़न था, नहीं तो यहाँ से ना कंचनजंगा जो दिखता है, हम लोग जो जाते हैं नॉर्मली देखने टाइगर हिल, तो यहाँ से भी साफ दिखता है अगर वेदर सनी रहे तो। और यहाँ ना ये जो एरियाज आप लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसीलिए मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई, नहीं तो मैं दिखाती। ये बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए, हम लोग वहाँ से बाहर आने के बाद ये रोड्स इतने ब्यूटीफुल हैं, जंगलों भरे, लेकिन ये जितनी ब्यूटीफुल है आप लोगों को पता है ये उतना ही ख़तरनाक है, क्योंकि शाम को ना 5 बजे के बाद यहाँ आना बिल्कुल मना है, क्योंकि यहाँ ना वो पैंथर्स जो होते हैं, ब्लैक पैंथर्स, वो भी आते हैं, टाइगर्स भी आ जाते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा हमें सुना रहे थे अंकल उस दिन, कि अंकल वहाँ पर जॉब करते थे उस टाइम पर, वो एक बार ना रात को ऐसी बाइक से आ रहे थे और उनके सामने एकदम से ब्लैक पैंथर आ गया था। वो तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि उस दिन वो बच गए, और उसने कुछ नहीं किया, उसके साथ एक बेबी था तो उसके साथ बस वो रोड क्रॉस कर रहा था, तो वो बहुत लकी निकले। लेकिन यहाँ होता है ऐसा, यहाँ पे टाइगर्स पैंथर्स आते रहते हैं, तो ये जगह जितनी खूबसूरत है ना उतनी डेंजर भी है। और एज़ यूजल दार्जिलिंग में मानसून के टाइम पे जो होता है, मेघ, पूरा मेघ लगा था, लेकिन ये वेदर इतना ब्यूटीफुल था कि मैं ना पूरा रास्ता एक वीडियो बनाते बनाते आई है। अगर मैं पूरा वीडियो डाल दूँ तो कम से कम 1-1.5 घंटे का ब्लॉग बन जाता, लेकिन फिर भी मैं आप सबको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना ब्यूटीफुल था वेदर। और फिर देखिए, यहाँ बारिश की वजह से, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी, यहाँ बारिश की वजह से फिर से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, और यहाँ पे थोड़ा सा जैम था। तो देखिए क्या हालत है यहाँ, मतलब पता नहीं किसी को कुछ हुआ ना हो, लेकिन ऐसा होता रहता है यहाँ, इट्स वेरी डेंजरस। और इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मानसून अगर कोई आ रहे हैं ना तो बहुत केयरफुल होके आइए। जो खूबसूरती आप देखेंगे वो तो
बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये डेंजर भी बहुत होता है यहाँ मानसून टाइम में। और फिर हमने देखे बहुत सारे वाटरफॉल्स, तीन चार वाटरफॉल्स मुझे दिखे थे और दो तीन और भी छोटे छोटे थे, लेकिन उसके ना क्लिप्स मेरे पास नहीं है। वैसे तो दार्जिलिंग जाते हैं तो ऐसे वाटरफॉल्स हम देख जाते हैं, म्यूज़ियम में कुछ ज़्यादा ही लगी थी मुझे, एकदम से तीन चार लगातार दिख गए वाटरफॉल, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। और फिर हम लोग धीरे धीरे उतरने लगे नीचे, और ये नीचे उतरते हुए ये जो सीनरी था ना, ये जगह बहुत ब्यूटीफुल था। जो ये गाड़ी उतर रही थी, ये रोड, और ना अंकल हमें एक ऐसे रोड से लाए थे जो नॉर्मल दार्जिलिंग से आने वाली रोड नहीं थी, ये एक दूसरा रोड है। वो बता रहे थे कि वो शॉर्टकट है और यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, और इसीलिए रोड इतना ब्यूटीफुल है। अगर किसी को आना है ना इस रोड से, मैं इसका जो मैप है वो दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। ये रोड बहुत ही ब्यूटीफुल है, कोई आइए तो ये रोड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर हम लोग रुके एक शॉप पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और यहाँ ना बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी क्योंकि पूरे रास्ता तो बारिश हो ही रही थी। यहाँ देखिए, यहाँ से ऊपर से ना पूरा वो देखिए महानंदा रिवर दिख रहा था वहाँ से। और फिर मैं आ गई शॉप में वापस, यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर किया मोमो, मैं और आंटी मोमो खा रहे थे और मेरे हस्बैंड और अंकल वो दोनों पूरी सब्ज़ी खा रहे थे, तो मेरे पास से थोड़ी सी पूरी सब्ज़ी भी चखी क्योंकि बहुत टेस्टी था, मोमो भी बहुत टेस्टी था और पूरी सब्ज़ी भी। और फिर खाना खाने के बाद हम लोग फिर निकल गए घर की ओर, और ये चले हम लोग नीचे। और ये आ गए हम लोग, देखिए यहाँ तो मैं दिखाती रहती हूँ जैसे आप लोगों को, ये गुलमा फॉरेस्ट है। आ गए हम लोग नीचे,
दीजिए, और उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आई प्रॉमिस अब से ब्लॉग डेली आया करेगा। आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए, और ये ब्लॉग कैसा लगा वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।